बहुत सारे कार्टून आए, बहुत सारे कार्टून, लेकिन बचपन में हमने एक ऐसा कार्टून देखा है जिसकी मुझे लगता है तुमने ज़रूर ना ज़रूर एक ना एक बार तो वो घड़ी खरीदी ही हो या फिर खुद बनाने की कोशिश करी होगी, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं उसके, और बहुत सारी घड़ियाँ अनबॉक्सिंग वाली भी आती हैं जिसमें ऐसी ऐसी घड़ियाँ दिखाते हैं, वो देख के लगता है यार ओह गॉड एक बार दिला दे। यस, आज मैं बात करने वाला हूँ बेन 10 के बारे में। बेन 10 की क्रिएटर है मैन ऑफ एक्शन, और ये सबसे पहली बार प्रेम ही हुआ था 2005 में। बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज 2005 से 2008 तक चली थी। बेन 10 की एलियन 4 सीरीज 2008 से 2010 तक चली थी। बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज 2010 से 2012 तक चली थी। बेन 10 की ओमनिवर्स सीरीज 2012 से 2014 तक चली थी, और इसकी सबसे बकवास सीरीज बेन 10 स्पिनऑफ जो कि अभी अभी आई थी 2016 से 2021 तक चली थी। इसके आज तक 5 मूवीज आ चुकी हैं जो कि हैं सीक्रेट ऑफ ओमनीट्रिक्स, बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम, बेन 10 एलियन स्वार्म, बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस, बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स द मूवी। इसके बहुत सारे गेम्स भी आ चुके हैं जैसे कि तुम अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। बेन 10 को प्रोड्यूस किया था 2 कार्टून नेटवर्क ने, और इसके जो ओरिजिनल ओनर हैं उनका नाम है वार्नर ब्रोस डिस्कवरी, यानी कि ये डीसी का माल है। बेन को हिंदी में डब किया है संकेत मात्रे सर ने, केविन को डब किया है करण त्रिवेदी एंड वल्लभ भिनगारदे सर ने, ग्वेन को डब किया है परिगण्या पांड्या शाह मैम ने, और मैं ग्रैंडपा मैक्स का अभी तक मुझे पता नहीं चला। बेन 10 की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन स्पेस से गलती से एक वॉच धरती पे गिर गई थी जिसको एजमत नाम के एक एलियन ने बनाया था ग्रैंडपा मैक्स के लिए, लेकिन क्यों उसके पोते ने यानी कि बेन 10 ने वो वॉच पहन ली थी क्योंकि उन दोनों के जीन्स जो हैं उन दोनों खून है वो सेम था। एंड इस वॉच के अंदर 10 एलियंस हैं जिनमें बेन बदल सकता है, और एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन ओमनीवर्स में और स्पिन ऑफ सीरीज में ये वॉचेस बदलती रहती हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन एजमत बदलता रहता है। बेन 10 की बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की गई हैं, जैसे कि बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज़ 3 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की गई है और वो 1 अवार्ड जीती है। बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज़ 1 अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई थी। बेन 10 की एलियन स्वार्म सीरीज़ 3 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की गई थी। बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज़ 3 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की गई थी और वो 1 जीती थी। और बेन 10 की रेस अगेंस्ट टाइम मूवी 5 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की गई थी। सो यार गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं अब संडे या मंडे को ही वीडियो डाला करूँगा हर हफ्ते, तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा मेन चैनल भी देख लेना, उस पर भी जाके मैं उस पर भी ऐसी वीडियोज़ डालता हूँ, लेकिन उस पर एनिमे से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज़ होती हैं। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।